आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सिंपल ब्लॉक पेज के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इस पेज को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एक आप फाइल बना लो। फाइल बनाने के बाद आप उसे BS कोड में ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है, ठीक है, और मैंने एक इमेज लिया है और मैंने index.html का एक फाइल बनाया है, style.css का एक फाइल बनाया है। इस फाइल को बेसिकली मैंने किया क्या है कि इसमें मैंने बॉयलर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ यहाँ पे मैंने style.css को लिंक कर दिया है, ठीक है, और कुछ ये CDNs वगैरह में मैंने लिंक किया, तो अकॉर्डिंग टू आप भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ से, कोड की तरफ देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ठीक है, आप बॉडी टैग में सबसे पहले आपको लिखना होगा, ठीक है, बॉडी टैग से। तो यहाँ पे मैं एक डॉट कंटेनर नाम का एक लेता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर में मैं हेडर लूंगा, हेडर लूंगा, ठीक है। इस हेडर में मैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, डॉट कैटेगरी, सॉरी, डॉट CAT GUI, ठीक है, इसको कैटेगरी ले लिया मैंने। इस पे मैंने एक टैग नाम दिया, ठीक है, इसको मैंने टैग नाम दिया, ठीक है। टैग नाम देने के बाद यहाँ पे मैंने एक और डिव लिया, इन्फो नाम का, डॉट इन्फो, मैंने एक और डिव लिया इन्फो नाम का, ठीक है। इस डिव में मैंने एक क्लास लगाया, ठीक है, क्लास लगा के इसमें मैंने टैक्स टैक्स नाम का एक डिव लिया, ठीक है, टैक्स नाम का एक डिव लिया। इस डिव के लेने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक डॉट नाम का एक मैंने डॉट FA सॉलिड नाम का एक क्लास लिया। इस क्लास में एक आइटैलिक मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, आई टैग के, तो यहाँ पे मैंने ये लिया, ठीक है। हाँ, तो इस टैग को हम देख रहे हैं, बेसिकली इस टैग को हम FA सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और FA टैक्स भी बोल सकते हैं इसको, FA सॉलिड एंड FA इसको टैग बोल सकते हैं हम लोग, टैग, ठीक है, ये होने वाला है। इसके बाद से हम यहाँ पे एक एस्पेन टैग लूंगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे इसका लाइव भी दिखाते जाऊँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरा लाइव चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, उसके बाद एक मुझे एस्पेन टैग लेना है। एस्पेन टैग मैंने लिया, इस एस्पेन टैग में मैंने यहाँ पे कोडिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोडिंग अपना फिक्स किया क्योंकि मुझे यही बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें एस्पेन टैग में मैंने लिया। एस्पेन टैग में लेने के बाद आप करोगे क्या, एस्पेन टैग में लेने के बाद आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको एक H1 हेडिंग देना है, ठीक है, एक H1 हेडिंग देना है। इसका क्लास आप दे देते हैं, तो इसका क्लास दे दे आप दोगे, इसका क्लास आपको देना पड़ेगा, तो इसका क्लास में मैं क्लास में टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, इसका क्लास में टाइटल दे देता हूँ, और इस टाइटल में मैं यहाँ पे वेब और डेवलपमेंट वेब कोडिंग का एक टाइटल दे देता हूँ। टाइटल देने के बाद जैसे मैं नीचे इम्प्लीमेंट करूंगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको एक पैराग्राफ भी देना है, ठीक है, एक पैराग्राफ भी देना है। इस पैराग्राफ का नाम आपको देना है सब टाइटल, आप अपने अनुसार भी इसको दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं क्लास में नेम वगैरह दे रहा हूँ वही आपको भी देना है, आप अपने हिसाब से भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सब टाइटल मैंने दिया यहाँ पे, देने के बाद यहाँ पे लॉरम लॉरम, ठीक है, ये मैंने 10 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आपको इतना तक करना है। इसके बाद आपको
है, इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये डिव क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ, तो एक सेक्शन आपको क्रिएट करना है। बेसिकली आपको एक सेक्शन भी क्रिएट करना है, ठीक है। इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हम सेक्शन नाम का एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन नाम का एक मैंने क्लास क्रिएट किया, ठीक है। और इसमें मैंने इसको मैंने क्लास नाम दिया। क्लास नाम देने के बाद इसमें मैं इसका डि इस क्लास का नाम मैं डिटेल्स रखूंगा, ठीक है। डिटेल्स रखने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आप एक डॉट आइटम नाम का एक क्लास ले सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में आपको एक हेडिंग देना है। हेडिंग ये देना है H5, ठीक है। इसमें H5 का एक हेडिंग लेना है। इसमें हेडिंग को आप एक क्लास नाम दे दो, क्योंकि CSS भी तो इम्प्लीमेंट करना है ना इसमें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो इसमें मैंने दे दिया इसका नाम आइटम टाइटल्स, ठीक है। आइटम टाइटल, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। और इसमें मैंने पब्लिश, ठीक है, पब्लिश किया, पब्लिश डेट कर दिया, ठीक है, सॉरी, पब्लिश डेट कर दिया, डेट किया मैंने, ठीक है। ऐसे ही इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको करना क्या होगा कि एक पी टैग लेना है। इसमें आपको क्लास का नाम, पी टैग में क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम देने देना है आपको, ये क्लास का नाम आइटम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड देने के बाद यहाँ पे मैंने एक एस्पेन टैग यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्लास देना है। इस क्लास का नाम आइटम डेटा दे सकते हैं, ठीक है, और आइटम डेटा दे सकते हैं, आइटम डेटा क्लास का नाम मैंने दे दिया। क्लास का नाम देने के बाद यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है, आपको एक नाम दे देना है, ठीक है, वेलकम टू माई वेबसाइट। और ऐसे करने के बाद आपको करना क्या है, कि एक और डेट सेक्शन को यहाँ पे आपको एक और डिव लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइटम नाम का एक डिव लेता हूँ, जिसमें मैंने रेडिंग वगैरह भी दिया है। तो इसमें मुझे देना क्या है, तो इसमें मैंने एक और टैग H5 टैग मैंने लिया, ठीक है। एच फाइव टैग, इसमें मैंने एक क्लास दिया, ठीक है। इसमें क्लास देने के बाद क्लास में मैंने यहाँ पे आइटम सबको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए मैंने कर रहा आइटम टाइटल, और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया आइटम टाइटल्स, ठीक है। ये क्लास का नाम देने के बाद आपको करना क्या होगा, इम्प्लीमेंट कीजिए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने पब्लिश डेट, ठीक है, ये दे दिया पब्लिश डेट। अब आपको करना क्या हो, उसके आगे आपको एक पैराग्राफ लेना है। इसमें क्लास आप दे दो। क्लास देने के बाद इसमें आइटम डॉट टेक्स्ट का एक क्लास होगा, और इसमें आपको बेसिकली एक एस्पेन टैग भी होगा। एस्पेन क्लास इसका क्लास का आइटम डेटा दे सकते हैं। यहाँ पे आप
यहाँ पे आप ये कर लिख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे, आप अपना डेट दे दो, मई 24, 2023, ठीक है, ये मैंने दे दिया। इसके बाद आपको करना क्या है कि एक और आइटम ऐसे ही लेना है आपको व्यू के लिए, एक ऐसी, तो मैं उसको कॉपी देन पेस्ट आपको करना है, ये रहेगा आपका व्यू के लिए, ये डाटा आपका व्यू के लिए हो जाएगा, ये डाटा आपको व्यू के लिए हो जाएगा, ऐसे करना। यहाँ पर डेट आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग अपने हिसाब से, मैं यहाँ पे जून कर दिया 20, यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको एक आर्टिकल टैग लेना है, ठीक है। आपको करना क्या, ऐसे करने के बाद आपको एक आर्टिकल आर्टिकल टैग को लेना है, ठीक है। इस आर्टिकल टैग में आप H4, ठीक है, H4 में आप देने वाले हैं कि व्हाट इज वेब कोडिंग, ठीक है। वेब कोडिंग क्या है, ये टाइटल देने दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैंने इसमें लॉरम शब्द दे दिया, आप वैसे ही कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या, फिर से लॉरम दे सकते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ लेने के बाद लॉरम, मैंने इसमें 20 वर्ड मेंशन किया। ऐसे में मेंशन करते करते मैंने यहाँ पे आया, मैंने लॉरम 25 ऐसे आप मेंशन करो, ठीक है। मेंशन कर करके आपको इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोजेक्ट को ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे पैड लॉरम लॉरम हमें अब स्टाइल करना है, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए आप जानते हो, ठीक है, सबसे पहले मुझे मार्जिन जीरो पिक्सल देना है, ठीक है, और पैडिंग भी देना है मुझे 0, ठीक है, मुझे 0% देना, 0 देना। और एक होता है बॉक्स साइजिंग आपको देना है, इसको देना है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स आपको ये देने के बाद आपको क्या करना है कि बॉडी में जो भी टैग है इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इसमें फॉन्ट फैमिली भी देना है, फॉन्ट फैमिली इसका देना है। तो मैंने फॉन्ट फैमिली में पिंस, मैंने फॉन्ट फैमिली POPINS सॉरी, मैं इसको फॉन्ट फैमिली आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉन्ट फैमिली, मैं ये दे देता हूँ, सॉरी जी, अच्छा नहीं रहेगा, सॉरी 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 पॉइंटेंस सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। मैं इसको सेंस, ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली हो गया मेरा। फॉन्ट फैमिली देने के बाद इसमें डिस्प्ले भी फ्लैक्स करना है हमको, डिस्प्ले भी फ्लैक्स कर दिया, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट आपको सेंटर, ठीक है, सेंटर करने के बाद अलाइन आइटम्स, आपको कुछ हाइट भी इसको देना है, इसको हाइट भी देना है, ठीक है, इसको हाइट भी 100 BH का मैं दे दिया। हाइट भी देने के बाद इसको आप कलर दे सकते हो, इसका कलर भी मैंने दे दिया, ठीक है, कलर भी मैंने इसको दे दिया, ठीक है, ये मेरा कलर रहेगा। कलर देने के बाद यहाँ पे एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज होता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में मैंने एक कलर, इस मैंने कलर दे दिया 2020 2020, ठीक है, ये कलर है मेरा। देने के बाद इसमें मैंने कुछ पैडिंग वगैरह, पैडिंग भी सेट कर दिया, पैडिंग कितना दिया 50 पिक्सल का, ठीक है। और ये देने के बाद
मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और नीचे का नेचुरल पार्ट को, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे मुझे बॉडी टैग को, यहाँ पे मुझे बॉडी टैग को बॉडी डॉट कंटेनर जो भी है, कंटेनर जो भी है उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कंटेनर को तो उसको मैक्सिमम ही मैक्सिमम विथ हमको देना है, मैक्सिमम ही देना है 1000 पिक्सल का, ठीक है। 1000 पिक्सल का मैक्सिमम विड्थ दे दिया। देने के बाद यहाँ पे मुझे बॉडी डॉट कंटेनर हेडर को भी कुछ देना, यहाँ पे सेट कर देते हैं उसका प्रॉपर्टीज, इसका बैकग्राउंड इमेज, इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड यूआरएल, यूआरएल में मैंने बीजी डॉट जेपीजी मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने दे दिया, मैंने देने के बाद यहाँ पे इसको मैंने सेंटर सेंटर और यहाँ पे मैंने बोला कि कवर कर लेना, कवर और नो रिपीट होना चाहिए, नो रिपीट होना चाहिए, नो रिपीट होना चाहिए, ठीक है, नो रिपीट होना चाहिए। इसको देने के बाद मैं उसका डिस्प्ले वगैरह भी सेट कर लूँ, तो इसमें मैं डिस्प्ले डिस्प्ले इसको फ्लैक्स करने वाला हूँ, ठीक है। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया मैंने, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टीज होती है, इसको मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन क्या किया, कलम कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये रो माई वाई। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी मैंने सेंटर किया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर ले लिया, या तो स्पेस बिटवीन ले लिया क्योंकि ये अलग अलग दिखे। इसके बाद मिनिमम हाइट, इसके बाद आप इसका मिनिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं। मिनिमम हाइट सेट मैंने कर दिया 400 पिक्सल का। इस सेट करने के बाद यहाँ पे मैं पैडिंग वगैरह भी दूंगा इसको, पैडिंग मुझे 20 पिक्सल और 50 पिक्सल और 60 पिक्सल का एक पैडिंग भी प्रोवाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। पैडिंग प्रोवाइड करने के बाद इसमें बॉर्डर बॉर्डर रेडियस भी कुछ देना है हमको। यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल दे दिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देने के बाद आप नीचे आओगे, नीचे आओ, नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे फिर एक प्रॉपर्टी सेट करना है, बॉडी डॉट कंटेनर, बॉडी डॉट कंटेनर एंड हेडर हेडर डॉट कैटेगरी, कैटेगरी CATE GORY कैटेगरी, ठीक है। इसको बॉर्डर सेट करना कैटेगरी, तो इसमें फॉन्ट फॉन्ट साइज आपको 1 RM लेना है, फॉन्ट साइज 1.2 RM, 1.2 RM का एक फॉन्ट साइज होगा, ठीक है। और इसमें फॉन्ट वेट भी है, आप फॉन्ट वेट भी दे सकते हैं, फॉन्ट वेट में बोल्ड होना चाहिए, मैंने बोला इसको बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। और लेटर जो होना चाहिए, लेटर 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 एलिजिबिलिटी, सॉरी, इसका लेटर जो होना चाहिए ना, लेटर स्पेसिंग 0.3 RM का होना चाहिए, 3 RM का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म किया अपर केस के लिए, अपर केस, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब मैं अगले प्रॉपर्टीज को जाने वाला हूँ, अगले प्रॉपर्टीज में देखने वाला हूँ कि अगले प्रॉपर्टीज को हम प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज लगाने में, जैसे कि बॉडी डॉट आप यहाँ पे डॉट कंटेनर, कंटेनर जो कंटेनर में हेडर है, हेडर है उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया था इन्फो नाम का, इन्फो नाम का मैंने क्लास बनाया था। उस क्लास में आपको टेक्स अलाइन सेंटर करना है आपको, सेंटर, ठीक है। सेंटर करने के बाद आप यहाँ पे आओ, तो एक बॉडी, फिर से मैंने बॉडी में लिया, बॉडी डॉट कंटेनर, बॉडी डॉट कंटेनर में जाओ। बॉडी डॉट कंटेनर में जाने के बाद
बॉडी डॉट कंटेनर में जाने के बाद यहाँ पे हेडर, बॉडी डॉट कंटेनर में एक हेडर, बॉडी डॉट कंटेनर यहाँ पे हेडर, हेडर में एक डॉट इन्फो, इन्फो डॉट डॉट टैग नाम सा एक प्रोटीज मैंने यूज किया था क्लास, जिसका नाम सॉरी आई, ये इसमें इसमें आपको फॉन्ट फॉन्ट साइज कुछ चेंज कर लेना है आपको। मैंने 18 RM दिया, 18 पिक्सल दिया, ठीक है। 18 पिक्सल देने के बाद, 18 पिक्सल देने के बाद कुछ मार्जिन, मार्जिन राइट से मैंने फोर पिक्सल सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी डॉट कंटेनर, बॉडी डॉट कंटेनर हीटर, हीटर में एक डॉट इन्फो नाम का है, इन्फो नाम का मैंने क्लास लिया, उसमें टैग्स टैग्स है, उसमें एक एस्पेन टैग मैंने बनाया, ठीक है। उसको आपको फॉन्ट साइज आपको 0.8 RM लेना है, ठीक है। मैंने 0.8 RM का एक फॉन्ट ले लिया। अब यहाँ पे मुझे मुझे बॉडी के अंदर यहाँ पे मुझे बॉडी के अंदर मुझे यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ मुझे एक बॉडी के अंदर बॉडी डॉट कंटेनर हीटर में जो भी हो उसके अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद आपको डॉट इन्फो नाम का एक क्लास है, इन्फो नाम का क्लास है जिसमें मैंने टाइटल जिसका मैंने टाइटल TI टाइटल मैंने लिया, ठीक है। उसमें इम्प्लीमेंट कर उसका मार्जिन 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 उसका मार्जिन उसका मार्जिन उसका मार्जिन मुझे उसका मार्जिन मुझे देना है 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है। ये देने के बाद आप इसका मार्जिन मार्जिन और कुछ 0% से लेके ऑटो भी कर दो। ऑटो करने के बाद 20 पिक्सल इसका मार्जिन सेट कर दिया, ठीक है। सेट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज भी इसका मैंने सेट कर दिया 1 RM का, ठीक है। ये सेट करने के बाद यहाँ पे मुझे बॉडी बॉडी डॉट डिस्प्ले बॉडी डॉट डिस्प्ले डिटेल्स नाम का एक मैंने क्लास लिया था, डिटेल्स नाम का एक मैंने क्लास लिया था। उस क्लास में मैं डिस्प्ले को फ्लैक्स रखूंगा, ठीक है। फ्लैक्स रखने के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेंटर करूंगा। सेंटर करने के बाद सॉरी सेंटर नहीं, यहाँ पे स्पेस बिटवीन हमको लेना है, ठीक है। स्पेस बिटवीन लेने के बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड आपको RGB है, ठीक है। तो ये वहां पे बैकग्राउंड आपको 0 0 0 यहाँ पे बैकग्राउंड लेने के बाद आपको इतना बैकग्राउंड RGB कलर लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको कुछ मार्जिन 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 टॉप से देना है। मार्जिन टॉप से आपको 50 पिक्सल का मैंने मार्जिन दे दिया, और पैडिंग 20 पिक्सल एंड 50 पिक्सल का मैंने एक पैडिंग भी दिया इसको, ठीक है। देने के बाद आपको बॉर्डर रेडियस आपको 20 पिक्सल एंड 50 पिक्सल लेना है, ठीक है। लेना है लेने के बाद
आपको करना क्या है, आपको एक बॉर्डर रेडियस, ठीक है, पैडिंग मैंने ले लिया, बॉर्डर रेडियस आपको आपको बॉर्डर रेडियस लेना है। बॉर्डर रेडियस आपको 16 लेना है, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद आपको बॉक्स बॉक्स शैडो सेट कर देना आपको, ठीक है। मैंने बॉक्स शैडो को 0, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, 30 पिक्सल, एंड ठीक है, और RGB ए इसका कलर सेट कर दिया मैंने, 0 0 0 0 और 0.1, 0.1, ये मैंने सेट कर दिया इसका कलर। कलर सेट करने के बाद इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड 1 पिक्सल सॉलिड RGBA, यही 0.0 0.0 0.0.0.68 ठीक है। सेट करने के बाद हम यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे अब मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपने बॉडी टैग को। अब यहाँ पे हमको बॉडी बॉडी के अंदर जो भी डिटेल्स है, बॉडी के अंदर जो भी डिटेल्स नाम का कुछ आइटम्स पड़ा है, ठीक है, उसमें आइटम एंड टेक्स्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें आप इम्प्लीमेंट करो मार्जिंग मार्जिंग उसका मार्जिंग टॉप से उसको 12 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, 12 पिक्सल होना चाहिए, और फॉन्ट साइज 1 RM होना चाहिए, फॉन्ट साइज 1 RM का पिक्सल पे आपको कैसे दिखने वाला, तो इसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ये ब्राउजर में कि आपको ये दिखने वाला कैसे रहेगा, ठीक है। तो ओपन विथ ब्राउजर आपको करना है, करना क्या है आपको, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी, और यहाँ पे HTML में आप आओ। HTML में आने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे आप करोगे, जस्ट वेट करोगे, वेट करने के बाद ये आपका यहाँ पे ब्राउजर में ओपन हो गया। ब्राउजर में ओपन होने के बाद ये आपको ओपन होने के बाद जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद आप देख रहे हो आपका जो भी मैंने ब्लॉक पेज, सिंपल ब्लॉक पेज मैंने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS की मदद से, मैंने ऐसे एक प्रोजेक्ट को, एक ब्लॉक पेज को इम्प्लीमेंट किया। ये बेसिकली यहाँ पे मैंने वेब कोडिंग के बारे में बताया और इम्प्लीमेंट किया कि कैसे मैंने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने रीडिंग टाइम दिया, ये मैंने पब्लिश डेट दिया, व्यू दिया, ठीक है, व्हाट इज द कोडिंग, मैंने ये सब कंटेंट वगैरह यहाँ पे दिखाया आपको। इसको आपको करना क्या है, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद आप इसको देख चेक करो ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, आप क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो ये कितनी रिस्पॉन्सिव है, यानी कि मीडिया क्यूरी अच्छे से काम कर रही है। तो ये एक छोटा सा ब्लॉक्स है मेरा, ठीक है, ये छोटा सा मेरा ब्लॉक्स है, ये छोटा सा मैंने क्रिएट किया एक ब्लॉक्स, सिंपल ब्लॉक्स पेज विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS की मदद से।
आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो बहुत अच्छा। और थैंक यू फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।